ट्रेनों में सरकार की योजनाओं और भाजपा के रंग होने पर आप प्रत्याशी ने विरोध किया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। किस संबंध में आप भारो कार्यालय आए थे, एसडीएम कार्यालय? जी, मैं रिटर्निंग ऑफिसर को ये शिकायत दर्ज कराने आई थी कि आज सुबह हमने बिना भोपाल एक्सप्रेस को, बिना भोपाल मेमो ट्रेन को जाते हुए देखा और उसके ऊपर जो था बीजेपी के झंडे के रंग के ऊपर प्रधानमंत्री के फोटो के साथ बहुत सारी ऐसी योजनाओं के चीज़ें थी जो बीजेपी जिसका प्रचार करती आई है। तो ये एक रेलवे की संपत्ति के ऊपर और प्रदेश की गाड़ी के ऊपर, प्रदेश की ट्रेन के ऊपर ये जो प्रचार है, ये आचार संहिता में आता है या नहीं, ये हमें सोचना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस तरह से अगर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी शिकायत मैंने अभी दर्ज की है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक शिकायत आई है कि एक रेलवे गाड़ी में, रेलवे पैसेंजर ट्रेन में राजनीतिक दलों का प्रचार किया जा रहा है। ये शिकायत अभी आई है, इसका परीक्षण हम करा रहे हैं और हम DRM और रेलवे मैनेजर को भी लिख रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी लिख रहे हैं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी इस संबंध में कार्रवाई हेतु आग्रह कर रहे हैं कि यदि किसी फोटोग्राफ किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का, भले ही वो पॉलिटिकल फंक्शनरी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हो, यदि लगा है तो इस संबंध में जो निर्देश हैं उसके संबंध में यदि कोई डाउट है तो इस मामले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को निर्णय लेना होता है, ऐसा निर्देश है चुनाव आयोग का, तो हम मैटर रेफर भी कर रहे हैं और हमने कार्रवाई के लिए इसको DRM और सेशन मास्टर को लिख दिया है।